नमस्कार। तो ये बात तो जेन्युइन सी ही है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं हम अपने घर को मिस करते हैं, अपने मम्मा पापा भाई बहन इन सबको मिस करते हैं। और ऐसा ही होता है जब हम वनस्थली भी जाते हैं। कुछ बच्चे अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो हम रक्षाबंधन पे घर जा सकते हैं, दिवाली पे घर जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा ही होमसिक फील करने लगते हैं और फिर उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, ना पढ़ाई में ना खाने पीने में, और वो कई बार बीमार भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपके मम्मा पापा कभी भी साल में किसी भी टाइम आपके आपसे मिलने वनस्थली आ सकते हैं और आपके साथ वहाँ रह भी सकते हैं। पेरेंट्स को वहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और उनके लिए गेस्ट हाउस में जो रूम्स हैं वो एसी रूम्स भी हैं, तो उनको गर्मी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे मिनिमल चार्जेस पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर होता है। और अगर और आपकी मम्मा आपकी बहन और कोई भी फीमेल मेम्बर आपकी फैमिली से जो आया है वो आपके साथ हॉस्टल में भी रुक सकता है। अगर आपको उन्हें दिखाना है कि मेरा हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं, वार्डन्स कैसी हैं, इसमें खाना कैसा मिलता है, तो आपकी मम्मा आपकी बहन या कोई भी जो फीमेल मेंबर आपके साथ आया है वो मेस में आपके साथ खाना भी खा सकता है। और इसलिए इस चीज़ में वनस्थली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पेरेंट्स आए तो स्पेशल खाना बने, ये सारी चीज़ें वो प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करते। जैसा खाना नॉर्मली रोज बनता है वैसा ही बनता है वहाँ पर। और इस वजह से आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कैसा खाना मिलता है। दूसरी चीज, जैसा कि मेरे मम्मा पापा आए थे क्योंकि मेरी क्लास में रक्षाबंधन पे हमें वैसे छुट्टी नहीं मिलती ऑफिशियली, तो हम अपने क्लासमेट से बात करके, सब क्लासमेट्स मास बंक करके टीचर्स से बात करके घर जाते हैं। लेकिन मेरे टाइम पे बच्चे नहीं जा रहे थे ज़्यादा और पढ़ाई हो रही थी, तो क्लासेस का लॉस ना हो इस वजह से मेरे मम्मा पापा रक्षाबंधन पे वनस्थली ही आ गए थे। और फिर मैं उनके साथ एक दिन के लिए जयपुर घूमने गई थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं और फिर आपको जहाँ पे भी घूमने जाना हो वहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज कि कई बार ऐसा होता है कि पीरियोडिकल्स जो टर्म टेस्ट होते हैं उनके बीच में कुछ बच्चों का बर्थडे पड़ता है, तो वो घर तो उस टाइम पे जा नहीं सकते, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो वो वनस्थली आ सकते हैं और शाम को बच्चे का बर्थडे कैंपस में सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जैसा कि मेरी फ्रेंड्स के मम्मी पापा करते थे पीरियोडिकल्स, क्योंकि 3 दिन के ही होते हैं तो उतना टाइम रुक के बच्चे को साथ में ले जाके फिर कैंपस से बाहर कहीं पे भी घुमाने ले जाना हो तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो वनस्थली की खासियत है कह सकते हैं कि उसका आपाजी फेस्ट, उसका आपाजी मेला जो बहुत सुंदर होता है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके मम्मा पापा आ सकते हैं तो उन्हें ज़रूर बुलाइएगा। 23 से 25 नवंबर के बीच 3 दिन का आपाजी मेला लगता है और वो बहुत सुंदर बहुत ग्रैंड होता है, तो उस टाइम पे भी आपके मम्मा पापा आ सकते हैं। इवन आपके मम्मा पापा के साथ आपकी आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से बताना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। बाकी वो आ सकते हैं वहाँ पे और आप बहुत एंजॉय करेंगे वो सारी चीज़ें। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप होमसिक फील कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, आपके पेरेंट्स आपको मिलने आएंगे, ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। इवन हम लोग भी ऐसा टाइम बहुत इन्जॉय करते थे क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स आते थे या किसी भी बच्चे के पेरेंट्स आते थे तो वो उस बच्चे अपने बच्चे के दोस्तों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते थे, हमें टाइम टू टाइम घर का खाना खाने के लिए मिल जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई थिंक इससे आपको आपकी जो होमसिक वाली चीज़ थी वो थोड़ी क्लियर हुई होगी और आप डरेंगे नहीं अब वहाँ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे अगर मैं एडजस्ट नहीं हो पाई तो मेरे पूरे 3 साल या 4 साल जेल के हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल करो और तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।